ना वो चाल चलती रहती है और मैं शिकार होती जाती हूँ, पर एक टाइम आएगा जब वो भी शिकार होगी मुझसे। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे ऐसा चल रहा है, जैसे रजत जाता है कुछ काम के लिए, वो बाहर जाते हैं तो मैं उसके आरती उतार के जाने लगती हूँ तो मुझे चक्कर आने लगता है, तो मेरे हाथ से गलती से तेल गिर जाता जो मुझे भी ध्यान नहीं रहता, तो मम्मी जी भी वहाँ से चलने लगती तो वो फिसल जाती, वो जो कि वो काजल की ट्रिक है, और उनको लगता है कि मैं जानबूझ को मम्मी जी को मतलब उनको नुकसान पहुँचाने के लिए सब कर रही हूँ, तो इसीलिए मम्मी जी मुझे भड़कती हैं, फिर मैं भी भड़क जाती हूँ क्योंकि मुझे भी इरिटेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत हो गया, ये सभी चल रहा है। निकालने की हालत भी नहीं रखी ना देवरानी ने, उसने मुझे ड्रग देना शुरू कर दिया कि मैं कुछ सोचने की हालत भी नहीं आ रही कि सोती रहे जब भी वो गुस्सा करे फंसती जाए। पता नहीं है अभी अनुष्का को कौन बचाएगा या अनुष्का कैसे बचेगी, ये तो आगे आपको देखना पड़ेगा। मतलब वो बीच बीच में मुझे ड्रग्स देती जाती है मेरे खाने में कुछ भी ऐसा, जब भी वो ड्रग्स का असर होने लगता है मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं हर चीज़ से इरिटेट हो जाती हूँ, चिल्लाने लगती हूँ, तो ये सबको लगता है कि अनुष्का को हो क्या गया जो इतनी समझदार है, तो ये सब ही हो रहा है। नहीं वो तो और बता, वो डर जाती है क्या हो रहा है, जब मैं चिल्लाती हूँ वो सुन देती थी, अभी तो वो डबल चिल्लाती है मुझे, थोड़ा तो असर उन पे भी हो रहा है कि वो क्या गया अनुष्का को। हाँ आप लोग शास्त्री सिस्टर्स देखते रहिए, अभी एक नए टाइम पे आ रहा है कलर्स पे, मंडे टू सैटरडे आप 6:30 बजे देखिए ऑब्वियसली, एंड ऐसे ही प्यार देते रहिए, हम लोग आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे, चाहे पागल बन के, चाहे रोमांटिक, चाहे कुछ डेली सोप किचन वाला, किचन पॉलिटिक्स या बहनों का प्यार, सब मिलेगा शास्त्री सिस्टर्स। कीप वॉचिंग शास्त्री सिस्टर्स, थैंक यू।